हम लोग हैं एक वाटरफॉल के पास। हम लोग कल एलपी में थे। हम लोगों ने सोचा था कि कल रात को हम लोग यहाँ वहाँ से निकल के थैक्कड़ी पहुँच जाएंगे, लेकिन हमने हर बार की तरह 10 मिनट का नैप लिया। 12 बजे के आसपास हमने नैप लिया था कि हम लोग 10-15 मिनट बीच में इट्टू रेस करबो ताहले देखबो। और फिर भैया पता नहीं कैसे आँख बंद के 7 बजे, तो ये हमारी गलती नहीं। 2 बजे उठाए थे, चले निकले 1 घंटा बाद। 5 बजे उठाए थे, 1 घंटा बाद। 6 बजे भैया आए उठाने के लिए, 1 घंटा। भापची शादता है बेरो को। हाँ, उसके बाद भैया 6:55 पे आए तो भैया बोल रहे हैं कि तू इस सात ही जाबे की। तो अभी वाटरफॉल के पास चाय पीते हैं और फिर लास्ट कैश बचा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सब जगह पे कैश खत्म कर दिया और कोई कैश लेके नहीं चल रहा। सबके पास कार्ड या फिर जीपे में पैसा है, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग का बिल हुआ है, यहाँ पर अगर चाय पीने के लिए कार पार्क करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पता है कार पार्क। ये कब दिए? झूठ बोल रहे। तो अभी ये रुपया जा रहा है अन्ना के पास, हम लोग का लास्ट कैश। अन्ना दबे दबे पांव से आए बूंदों की लहर, हवा हवा जादू से बनता खुशबुओं का घर, लगे लगे आसमां जैसे एक नया शहर। जरा जरा ढूंढ ले हम तुम बादलों में घर, पर्टिकुलर रिसॉर्ट। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि मैंने किसी व्लॉग में देखा था, आई गेस अंकित भाटिया के व्लॉग में देखा था। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, अगर चेक इन हो जाए तो चेक इन करके फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करने जाएंगे। ट्रैकिंग बुक करने के लिए मैं और हर्ष पेरिया टाइगर रिजर्व के अंदर में जो नाइट ट्रैकिंग होती है वो हम लोग करेंगे। एक और प्लेस था मेरे आइटिनरी में, लाइक मेरे लिस्ट में, जो मेरे को जाना था, उसका नाम है मैजिकल और समथिंग, मैजिकल माउंट ऐसा कुछ है। लेट्स सी, मेरे को बहुत ज़्यादा मन है, मेरा ये बात सुनने के बाद हर्ष को भी बहुत मन हो रहा है, तो शायद मैं और हर्ष निकले। और अगर उसके साथ भैया आना चाहे तो भैया आ सकते हैं, जयेश आना चाहे तो जयेश आ सकता है। जयेश मेरे को नहीं लगता जाएगा इतना, और सूरज से पूछ के देखेंगे, अगर सूरज आना चाहे तो सूरज भी आ सकता है। बाकी कल सूरज और मेरे में थोड़ी सी बातावाती हो गई, हम लोग के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया, जिसके वजह से सूरज कल रात से मुंह फुला के बैठा हुआ है और बात नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी, अगर उससे बात होती है तो आप लोग उसको वापस से ब्लॉग में बोलते हुए सुनेंगे, और अगर वो अपना मूड बना के ही रखता है तो शायद इसके आगे का ब्लॉग खाली मेरे को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। 9,000 रुपये लगे हैं, 1500 पर पर्सन, और उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं। हम लोग रात को 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 10 बजे तक का वो पूरा ट्रैक होगा। बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं 2.5 घंटा,
बट वो हो जाता है, आधा घंटा तो ऊपर हो ही जाता है, तो इसलिए तीन घंटा लग जाता है। ले आएंगे अभी हम लोग वापस उस वहाँ पे जा रहे हैं, अपने रिसोर्ट जा रहे हैं। एंड उसी के पहले हम लोगों ने अभी एक जन से बात भी की जंग इसके लिए सतरम, जो हम लोगों को जीप सफारी के लिए जाना है, तो वो अच्छा ऑफर दे रहे थे। अभी हम लोगों को यहाँ पे और एक दो जन से बात करनी है, बिकॉज थोड़ी अच्छी जीप मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, बात करके देखते हैं। हाँ, ये वाली जीप अच्छी लग रही है, ऑफर सब लोग सेम दे रहे हैं। मतलब उसका नॉर्मली जो रेट चार्ट में लिखा हुआ है दैट इज 3500, बट ये लोग 500 डिस्काउंट देके 3000 में करने के लिए रेडी है। हम लोग दोनों का तो मन ये रेड वाली जीप का ही है। सुबह का व्यू आप लोगों ने देखा था, एंड सी शाम का क्या व्यू है। एंड शाम मतलब क्या, अभी 5:30 बज रहे तो हम लोग जा रहे थे नाइट ट्रैक करने के लिए। हम लोगों ने स्लॉट लिया था 7 बजे से। इन लोगों का तीन स्लॉट है, एक 7 बजे का, एक 10 बजे का, एक 1 बजे का। तो 1-4 तो नहीं करने वाले थे, बिकॉज नेक्स्ट डे हम लोग को 6 बजे सुबह निकलना है जीप सफारी के लिए। बट हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 10 से 1 भी करेंगे तो आके सोने में लेट हो जाएगा, तो कल सुबह नहीं उठ पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने 7 से 10 वाला लिया था। बट अभी सबको चुल उठी है कि हम लोगों को 10 से 1 का स्लॉट करना है, क्योंकि घड़ी में दिखना चाहिए कि हम लोग रात के 12 बजे जंगल के बीचों बीच है। यस, एंड ट्रस्ट मी, रात के 12 बजे के बाद का एक जो माहौल होता है वो भाई लव है, लव। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि कल रात में, रात भर गाड़ी से मैं बाहर निकल रहा था, अंदर घुस रहा था, हम लोग कल रात में गाड़ी में ही सोए थे। नहीं बता दी मैंने। अच्छा, जो भी है, तो इसलिए मुंह बना दे। तो हम लोग कल रात में गाड़ी में ही सोए थे और रात में बार बार मैं गाड़ी से निकल रहा था, तो बाहर निकलने के बाद जो एक वाइब मिल रहा था, एक फील आ रहा था, एक साउंड मिल रहा था, वो साउंड अपने को आज ट्रैकिंग में मिलेगा। और फाइनली इतना बात बोलने के बाद लीच पकड़ ली है मलीच को। दिखा दिखा दिखा, लीच ये भाई हड्डी नहीं भाई, प्रॉपर लीच, देख देख। अरे हाथ दिखा, अरे लोग, अरे मेरा हाथ है, हाथ है, अरे दिखा दे उसको, कैसे हटा है, पकड़ के हटा है, हाथ हटा अपना, पकड़ के हटा, कैसे हटा, सॉल्ट 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 ऑफ फायर, नो नो सॉल्ट ऑफ फायर, फायर फायर, लाइटर लाइटर जोर से, तुम जो जूता से, जूता से, तुम जो जूता से मारा उसकी वजह से खून निकला। अरे ये तो रहा कहीं पे रास्ता में, चाहिए था उसको भाई। भाई हम जूता पहन के आ रहे हैं, जूता पहनने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई, चल रही जल्दी लीच पकड़ा उसको, हेलो लीच भाई, मतलब जूता पहनने जा रहे हैं, जो जो चप्पल पहन के आया है भाई, जा इसके जाके दवाई लगाओ, जाके जूता पहन भाई, लाइटर 20 लाइटर पूरे बॉडी में, 20 लाइटर खरीदो, 2 किलो नमक खरीदो, पूरे बॉडी पीठ पे सबसे ज्यादा लग जाए, क्या खरीद ले जय, 20 लाइटर खरीदो, 2 किलो नमक खरीदो भाई, खून खतरनाक चूसता है ये देखे, ये देखे भाई, सब कुछ लीच लग रहा है। अरे इधर देखिए, मेरा भी खुजली 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 हुआ देखो। हां हमको जूता पहन के आने दे भाई। नो, यूजुअली व्हेन यू हैव लीच, नो, इफ यू पुल इट आउट दैट टीथ विल टेयर ऑफ योर स्किन एंड यू विल ब्लीड अ लॉट। दैट्स व्हाट दैट इज व्हाट दिस गाय डिड। व्हाट आई डिड, पुट फायर और सॉल्ट राइट भाई, ब्रो गो, उसको मेडिसिन लगाओ, कुछ ठीक कर। अरे भाई तेज जा, तेरे को हार्ट अटैक नहीं ना आ जाएगा, फिर जा पहले इधर से, इसका हार्ट बीट बढ़ गया है, जा बोले इधर से, वो सब छोड़ो, ये लड़का मतलब लोगों को दिखाने के लिए स्मार्ट बनने के लिए बोलता है हटाए कि नहीं, पहले वीडियो बनाइए। यूज फायर व्हेन लीज यूज यू, डेढ़ यूज फायर व्हेन लीच यूज यू, ठीक है ठीक है, नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी होता क्या मुझे नहीं पता, बट मेरे को हो रहा है। लीच पैर काटना पड़ेगा, कुल लग रहा है हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं एकदम, ये ऑलरेडी मम्मी हम बुला रही है, ऐसा मत करे मेरे साथ। अरे दिख नहीं रहा यार। और ये जाया जा रहा है जहाँ पे इन लोगों ने बताया था कि सबसे ज्यादा लीच है, जैस लीच। जैस लीच। हम लोग अभी जा रहे हैं
साथ चीड़ लेने नाइट ट्रैकिंग करने के लिए जंगल ट्रैकिंग तीतर क्योंकि हम लोग थोड़े से अबनॉर्मल है ना हम लोग इतने अबनॉर्मल है कि हम लोग 7 बजे का स्लॉट बुक करके रखे थे उसको कैंसिल करवा के हम लोग 10 बजे का करवाए ये है रास्ता का हालत पूरा खाली है सोचिए अगर रास्ता इतना खाली है तो जंगल कितना भरा हुआ होगा बहुत मजा आ रहा है रेनकोट दो मेरे को भी अच्छा ही लग रहा है मेरे आसपास कौन चलेगा मैं आप लोग दोनों हाँ आप और हर्ष आगे आगे चलोगे ये और ये साथ में पीछे चलेंगे बीच हम दोनों एकदम पीछे चलेंगे कैसा लग रहा है बाबू बहुत मजा आएगा अली मर्दे अभी फिलहाल तुम लोग ले लो मेरा ये जैसे सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाने वाले हैं एंड हम लोगों ने बैग में एक तो मैंने अपना टॉर्च लेकर है जो हम लोग कैंपिंग के टाइम पे यूज करते हैं हम लोगों ने बैग में 3 वाटर बॉटल्स 3 लीटर मतलब हम लोग 6 जन हैं तो सबके हिस्से में 0.5 लीटर पानी मिलेगा रेनकोट लिया है जो कि लीच क्या बोले व्हाट इसमें क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि बता इफ इट रेन देन वी हैव टू वेयर ना बिकॉज़ वी डोंट हैव रेनकोट दिस ओनली वी हैव नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आई विल टॉक आउट ऑफ नो प्रॉब्लम ओके नो प्रॉब्लम दैट्स ऑल हां ओके ओके ये कोई बोले हैं हम लोग के लिए खतरनाक समझ नहीं पाए हैं अलीच बोल के तो जानवर है बहुत खतरनाक शेर से भी ज्यादा वो खाली आग से छूटता है बदन में चिपक जाता है तो हम तो 2 लाइटर रखे क्योंकि मेरे को लग चुका है लीच आप लोग देखिए वीडियो में माय डिजाइन लाइट इधर है एंड सी माय डिजाइन फिर अगर तुम इधर क्या ये नमक दिया हम लोग को हाँ हाँ लीच के लिए पॉकेट में हो गया क्या कितना लगा एंट्री का 270 रुपए और 1500 करके पर हेड हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर चुका है फॉर द वॉक और वो पता है क्या क्या दिए एक तो बोले चिपकेगा नमक अलग से दिए बोला गारंटी चिपकेगा लीच वो दिए हैं अलग से बोले हाउस द जोश हम लोगों ने पोजीशन सेट किया है कि सबसे आगे मतलब जो अपना गाइड चल रहा है वो तो है ही उसके बाद अपने ग्रुप के लिए सबसे आगे हर्षन भैया उसके बाद में आकांक्षा जयेश एंड लास्ट में ब्रो वी आर प्रो इट्स लीच प्रोटेक्टर देख लीच देख बच्चा लीच ये अपना एक वो पहन रहे हैं सॉक्स तो कुड़ गया के लिए एवरीवन इज गेटिंग रेडी सब लोग ये पहन रहे हैं जो कि दिया गया है ताकि लीच ना चढ़े तो ये हम लोग पूरा पढ़ लिए जिसमें ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि अगर कुछ भी होता है तो वो हम लोग की जिम्मेदारी है वी जस्ट स्टार्टेड अभी तुरंत लोग निकले यहाँ से रेडियो के थोड़ा बहुत हम लोगों ने दिया लीक से बचने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ चलो चलो हम लोग को 10 बजे स्टार्ट करना था यहाँ पे 9:45 से पहुँचना था हम लोग पहुँचे 10:30 और 10:45 पे स्टार्ट कर रहे हैं तमिलनाडु पूरे तमिलनाडु पे है ना यहीं से पानी एग्रीकल्चरल ऑयल्स के लिए जाता है ठीक है हटा उसको अभी लाइटर से नहीं हटाना है वो भी बहुत जल जाएगा अबे ऐसे मत कर टॉर्च में लग जाएगा नमक डाल नमक लाया है ना हाथ में लग जाएगा डालना तो दो लगा हुआ
फक भाई कुछ करो अंदर जा रहा है एक तो हट गया हट गया दोनों हट गया चिल्लाना मत भाई चिल्लाना मत भाई इसको लग रहा है हम किन जानवरों के साथ उसके पास चले जाओ भैया आप तुमको दिखाई दी उसकी हाँ इसमें है ना हाँ कुछ भी लग गया भाई अरे वो जल जाएगा अरे जल जाएगा जूता जला दिया गवर्नमेंट कहता है कि ये सारा चीज एकदम वैसे ही रहे यहाँ पे भी है जितना देर रुकेगा ना उतना चढ़ेगा काट लिया है ओह ये काट लिया शायद ये अंदर तो मेरे को पहनी है उसके अंदर मोजा पहनी है अच्छा हाँ इसके बैग में निकाल चाहिए नहीं गीले हो चुके हैं पूरे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है हम लोग रेनकोट लाए तो थे बट मन नहीं कर रहा है पहनने का क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भीग गए हैं अरे कोई है अलग अलग जगह पे फॉरेस्ट के वो लोग रहते हैं सामने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सिक्योरिटीज लोग रहते हैं उसमें से किसी एक का एक वो है चेक पॉइंट है जहाँ पे कि थोड़ी आग जल रही है आई मीन कैंप फायर अरे झटका मार निकल जाएगा इतना आग नहीं जलाना होगा जूता उतार जल जाएगा बस किसी को छुड़ाना नहीं किसी और को भी नहीं लगना चाहिए यार सबको यहाँ पे चेक कर रहे हैं किसको लीच लगा है किसको लीच नहीं लगा है सब अपना अपना बॉडी चेक कर रहे हैं ये देखो और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है आप देख सकते हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश में जाना सेफ नहीं है क्योंकि पॉइजनस स्नेक्स निकल आते हैं जो कि हार्मफुल है तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं अभी तो हम लोग एक शेड है यहाँ पे और दो ऑफिसर लोग हैं यहाँ पे बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं जय स्लीच सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रुके थे मतलब बहुत तेज बारिश हो गई थी इसीलिए हम लोग भी वापस कंटिन्यू कर रहे हैं शायद पता नहीं कहाँ ले गए थे उसका बात समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी है फिर भी हम लोग वापस कंटिन्यू करें रिटर्न जाने के लिए सबके ऊपर में कम से कम 50-60 लीच चढ़ा था हम लोगों ने उतारा सारे लीच को बोला लीच आप नीचे उतर जाइए आपका जगह थोड़ी है फिर लीच नीचे उतर गया वैसे इतने में इंजॉय बहुत हुआ ऐसा नहीं इंजॉय नहीं हुआ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो शायद हम लोग खुद से नहीं कर सकते थे कभी बड़ा मज़ा आया चलने में अगर कंटिन्यू करते तो और ज़्यादा मज़ा आता देखते हैं क्या होता है इसके पेट पे लीच था स्मेल व्हाट ट्री द वाइट करी लीफ आ रहे हैं जी करी लीफ करी पत्ता है क्या करी पत्ता मिंट टाइप चले यहाँ
अभी हम लोग निकल रहे हैं नाइट ट्रैकिंग और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी और बट ट्रस्ट मी वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जिस तरीके से इन लोगों ने करवाया वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था जो इन लोगों ने अमाउंट लिया था वो लोग जबरदस्ती हम लोगों को लीड से और ज्यादा डरा रहे थे जबकि खुद अपने हाथों से वो अगर चाहते तो हम लोग को और नॉर्मल कर सकते थे कुछ ना कुछ बहाना दिया रहे थे जबरदस्ती रुक जा रहे थे तो वो लोग काफी ऐसा करके टाइम वेस्ट किए तो जो इंसान इंटरेस्टेड होता है अपना काम करने में ना वो अच्छे से करता है ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन लोग को एक एक चीज अपने यहाँ पे पहले 6 किलोमीटर बोला फिर 2.5 किलोमीटर हो गया और 1 किलोमीटर भी नहीं करवाया अगर आप लोग हम लोग की तरफ से देखें तो नेवर सजेस्टेड नहीं आप लोग आइए आप लोग करिए आप लोग हम लोग से ये सीखिए कि लीच वगैरह ये सब से डरिए मत बारिश हो या कोई जानवर का आवाज हो इन लोग बोले कि नो दिस इज रिस्की दिस इज वेरी डेंजरस डरिए मत ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग बोलिए हम लोग को कम्प्लीट करना है आप लोग आगे जाइए और जिद पे रहिए और जिद पे रह करके जहाँ तक ये कम्प्लीट होता है वहाँ तक कम्प्लीट करिए एंड ट्रस्ट में अगर इतना रेन नहीं हो रहा होता तो हम लोग भी कम्प्लीट करते मेरा सजेशन ये है कि उन लोग को जब बुकिंग लेते हैं तब उनको ये जानना चाहिए कि जो आ रहे हैं उनके वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और उनको उस लैंग्वेज का गाइड देना चाहिए कि हम लोग भी उससे बात कर पाए हम लोग उसको चीजें बता पाए वो हम लोग को चीजें समझा पाए यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था इज कॉलिंग रेन रायन अरे हट 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 उठा ले हाथ छोटा ले हाथ छोटा हाथ छोटा अरे जलाना अरे जला मत नमक पूछ रहे हम नमक पास लेके जा बस हो गया क्या जान जाए पर सिगरेट ना जाए मुझे लग रहा है ये वहीं से उड़ा रहे हैं ना ये उड़ के भी आता है हाँ उड़ के आएगा ही कैसे हम लोग कर रहे हैं लीश लीश ये है हमारा लीश प्रोटेक्टर लीश प्रोटेक्टर को लीश लग गया है कुछ भी क्या समझ में नहीं आया भाई हाँ नहीं आता है काटा नहीं है अरे निकाल इसको भाई अबे जला नहीं सकते ना हाँ देख टॉर्च से निकाल रहा हूँ तो गाइस अभी बहुत रात हो गई है हम लोग वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर तक बैठे थे नहा वहा के फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे सतरम और परिंदुम पारा जाने के लिए जीप सफारी में